Assalamu alaikum. A very happy, lovely morning. Dear students, how are you all? Fine, very good. Ji janab, kaise hain aap sab? Khairiyat se hain, theek thaak hain? Mazay mein hain bhai. Wow. Achha janab, aapko pata hai aaj hum kya karne wale hain? Aaj hum ek bahut interesting si activity karenge. Ji, achha, aaj hum civic skill discuss karenge. Theek hai? सिविक स्किल में आपको पता है आज मैं आप लोग को क्या सिखाने वाली हूँ भाई. एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, ठीक है, एक स्किल मैं आप लोग को सिखाऊंगी. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बुक का पेज ओपन करना है. ओपन पेज नंबर 27. जी जनाब, ओपन कर लिया आप लोगों ने. अच्छा, ये देखिए आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है भाई. कौन सी स्किल है हमारे पास? रीडिंग मैप. रीडिंग मैप यानी कि मैप को किस तरीके से आप रीड कर सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है. अच्छा जनाब, ये देखिए, ये पूरा मैप बना आपके पास, आपको शो हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे भी आ रहा है. आपकी बुक्स आपके पास हैं, बुक्स में भी मौजूद है. अच्छा जनाब, आपको पता है कि इस मैप में क्या है? ये देखिए, ये जो आपको नंबरिंग्स नज़र आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नंबरिंग है. और ये नंबरिंग आपको क्या शो कर रही है? ये आपको कंट्रीज़ शो कर रही हैं, ठीक है. कंट्रीज़ बताए जा रहे हैं कि इस नंबर पे कौन सा कंट्री मौजूद है, ठीक है. और यहाँ पर आपको कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, लाइट ग्रीन नज़र भी आ रहा है, लाइट ग्रीन नज़र आ रहा है, डार्क ग्रीन भी नज़र आ रहा है. इज़न्ट इट, ये हमें शो कर रहा है पॉपुलेशन, यानी कि कितनी पॉपुलेशन किस कंट्री में मौजूद है, ठीक है. अच्छा जनाब, अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर देखें, यहाँ ये इस कॉलम में आप देखें, यहाँ पर आपको नंबरिंग नज़र आ रही है, ठीक है, और मैप में भी आपको नंबरिंग नज़र आ रही है. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर वन पर हमारे पास कौन सा कंट्री है. नंबर वन पर हमारे पास आ रहा है इंडोनेशिया, ठीक है. कौन सा कंट्री है? इंडोनेशिया. चलें अब आप इस मैप में नंबर वन जो है वो तलाश करें, फाइंड आउट करें कहाँ पर है नंबर वन. फाइंड आउट करें, ये देखिए, ये नज़र आ रहा है नंबर वन, यानी कि यहाँ पर है इंडोनेशिया. क्या है? इंडोनेशिया यहाँ पर है, जी. अब नंबर टू पे यहाँ पर हमारे पास क्या है? पाकिस्तान. अच्छा चलें अब आप इस मैप में नंबर टू तलाश करिए भाई, कहाँ पर है फाइंड नंबर टू. Here it is number two and this is Pakistan. Yes. Now number three पे क्या है हमारे पास? India. चलें अब जल्दी से यहाँ पर number three count करें, कहाँ पर है find out करें. Pakistan के बराबर में है number three, isn't it? जी, ये रहा number three, India. अब number four पे हमारे पास है Bangladesh. चलें यहाँ पर find out करते हैं कहाँ है भाई number four. ये रहा इंडिया के इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर नंबर फोर पर है बांग्लादेश. अच्छा, नंबर फाइव पे यहाँ पर है इजिप्ट, इज़न्ट इट. अब यहाँ पर आप फाइंड आउट करें नंबर फाइव कहाँ पर है भाई. नंबर फाइव जो है वो कहाँ पे हमें नज़र आ रहा है? यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बीच में नज़र आ रहा है, सेंटर में, इज़न्ट इट. मिल गया आप लोगों को? वेरी गुड. तो इस तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास रैंक दिए हुए हैं, ठीक है, 1 से लेकर 15 तक आपको कंट्रीज़ बताए गए हैं और यहाँ पर नंबरिंग दी गई है. तो आप बहुत आसानी के साथ यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ कौन सा कंट्री कहाँ पर मौजूद है. अच्छा, यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री भी मौजूद हैं. आप बहुत आसानी के साथ पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान के मैप में इस तरफ आप देखेंगे तो आपको इंडिया नज़र आएगा, इज़न्ट इट. जी जनाब. अच्छा, उस तरफ आप देखेंगे आपको ईरान नज़र आएगा, इज़न्ट इट. जी, इसी तरीके से आपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ को फाइंड आउट करना है. अच्छा जी, और क्या है भाई यहाँ पर? अच्छा, ये जो आपने यहाँ पर देखे लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन कलर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं. अच्छा, लाइट ग्रीन कलर है जो है वो आपको पॉपुलेशन शो कर रहा है, ठीक है. उसमें आपको परसेंटेज बताई जा रही है कि यहाँ पर कितने मुस्लिम्स हैं जो इन कंट्रीज़ में मौजूद हैं, ठीक है.
और यानी कि 0 से 9% जहाँ पर मुसलमान मौजूद है वो लाइट ग्रीन शो कर रहा है, 10 से 49% मुसलमान मौजूद है वो डार्क ग्रीन को शो कर रहा है थोड़ा सा ब्रॉड, ठीक है, और 50 से 100% जहाँ पर मुस्लिम्स मौजूद हैं वो आपको डार्क ग्रीन भी शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम्स की यहाँ पर तादाद कितनी है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम देखेंगे इंडोनेशिया, फर्स्ट पे हमारे पास है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कितने मुस्लिम्स हैं? अबाउट 88%, यानी कि 203 मिलियंस मुस्लिम्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? इंडोनेशिया में। कहाँ पर हैं? इंडोनेशिया में। अच्छा, 96% मुस्लिम्स कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में। कितने मुस्लिम्स हैं? 96%, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है। उसके बाद इंडिया में कितने परसेंट हैं? ओनली 13% एंड 161 मिलियंस वहाँ पर पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने इसमें आपको रीड करना है और किस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर मुस्लिम्स की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, ठीक है। आप जब यहाँ पर आप देखेंगे पूरी आपको तमाम मुस्लिम्स की क्वांटिटीज़ नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, एक्टिविटी में हमें क्या कहा जा रहा है? हाउ मैनी मुस्लिम्स लिव्स इन सूडान एंड पाकिस्तान। अच्छा, अब आप यहाँ पर जो है फाइंड आउट करें कि सूडान कौन से नंबर पर है। सूडान हमारे पास मौजूद है 12 नंबर पर, इज़न्ट इट, 12 नंबर पर मौजूद है। और पाकिस्तान हमारे पास कौन से नंबर पर है? सेकेंड नंबर पर हमारे पास पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में कितने मुस्लिम्स हैं? 96%, ओके, यानी कि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। और सूडान में हमारे पास कितने मुस्लिम्स हैं? 71%, इज़न्ट इट जी। तो अब ये आपने मेंशन करना है, ठीक है। हाउ मैनी कंट्रीज हैव मोर देन 80% मुस्लिम पॉपुलेशन। अब आपने फाइंड आउट करना है कि भाई कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 80% से ज़्यादा मुस्लिम्स मौजूद हैं, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो अब ये आपके पास लिस्ट मौजूद है, आप इसमें से फाइंड आउट करें जी। अब हम मुझे कौन कौन से नज़र आ रहे हैं भाई? एक तो इंडोनेशिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, इज़न्ट इट, ईरान है, एंड टर्की है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, एंड इराक है, अफगानिस्तान है, इज़न्ट इट, एंड सऊदी अरेबिया। दीज आर द कंट्रीज हैविंग मोर देन 80% मुस्लिम पॉपुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच मुस्लिम हैव मोर देन 100 मिलियन मुस्लिम्स, यानी कि किन कंट्रीज में पूरे 100% है भाई? 100% तो हमारे पास इराक में मौजूद हैं, 99% मोरक्को में 99% मौजूद हैं, इज़न्ट इट जी, एंड ईरान में भी हमारे पास 99% मुस्लिम्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। नेम 3 कंट्रीज़ विद लेस देन 9%, यानी कि अब हमें कौन से कंट्रीज़ फाइंड आउट करने हैं जिनमें 9% से भी कम मुस्लिम पॉपुलेशन मौजूद है। अच्छा, उसमें हमारे पास आ जाते हैं तकरीबन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी कौमें रहती हैं, हिंदू सबसे ज़्यादा हैं और मुसलमान बहुत कम हैं। तो सबसे कम हमारे पास है इंडिया में, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है? अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मैप देखना आ गया होगा, इज़न्ट इट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप फाइंड आउट करेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। अब आपने क्या करना है कि इस मैप को देखते हुए, इस चार्ट को देखते हुए अपनी कॉपी में इसे बनाना है, यानी कि आपको ये लिखना है कि 1 पर कौन सा कंट्री है, 2 पर कौन सा है, 3, 4, 5 एंड 15 कंट्रीज़ की नंबरिंग करनी है, ठीक है। और फिर अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ पर हैं और कितने पर कौन कौन से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मोर देन 80% मुस्लिम्स हैं, मोर देन 90% मुस्लिम्स हैं। ये सब आप अपनी टीचर के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे भाई? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।
We'll be right back.